भारत सरकार ने 2021 में सोयाबीन की 7 वैरायटीज को रिलीज किया है। उनमें से एक वैरायटी है एनआरसी 142। इस वैरायटी को खासकर खाद्य उपयोग के लिए रिलीज किया गया है। सोयाबीन के खाद्य उपयोग में दो दिक्कतें खास आती हैं। एक तो इसको पचने में दिक्कत आती है क्योंकि इसमें केटीआई यानी कि कुनिस ट्रिप्सिन इनहिबिटर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको बिना उबाले खाने से पचने में दिक्कत आती है। दूसरा है, इससे बने जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें अजीब तरह की गंध आती है जो कि लोगों को पसंद नहीं आती है। तो हमने इस वैरायटी में कोशिश की है कि इन दोनों कारकों को हम बाहर कर दें। इसमें ना तो केटीआई है यानी कि कुनिस ट्रिप्सिन इनहिबिटर बिल्कुल ही नहीं है, जिससे इसको आराम से पचाया जा सकता है। गेहूं के आटे के साथ इसका आटा मिला के रोटियां बना के खाई जा सकती हैं। और दूसरा जो इसमें गंध आती है वो गंध भी इसमें बहुत ही कम आती है, जिससे लोगों को पसंद आएगा। और इसके अलावा ये तो इसके खाद्य उपयोग के प्रॉपर्टीज थी, इसमें बीमारियां भी नहीं आती हैं। YMB जो खास एक येलो मोज़ेक डिजीज है जो आपको पता ही है, और इसके अलावा चारकोल रॉट बिल्कुल नहीं आता है। और इसमें कीड़ों का प्रकोप भी बहुत कम हुआ है ट्रायल में। इसका जो प्रोडक्शन है ये दोनों क्षेत्रों के लिए हुई है, मध्य क्षेत्र और दक्षिण क्षेत्र। मध्य क्षेत्र में आते हैं आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड एरिया, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र। और दक्षिण क्षेत्र में जो राज्य आते हैं वो कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। और इसकी जो एवरेज प्रोडक्टिविटी है वो है मध्य क्षेत्र में 2 टन और दक्षिण क्षेत्र में 2.25 टन है, पर अधिकतम उत्पादन जो है 3 टन तक लिया गया है। यानी कि आप अनुशंसाओं का पालन करते हैं तो 3 टन तक भी इसका उत्पादन ले सकते हैं और यह 95 दिन में पककर तैयार हो जाती है।